साधक कौन? भगवान कहते हैं, यह सब संसार मेरे अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है। जिसकी आकृति होती है उसको मूर्ति कहते हैं, और जिसकी कोई भी आकृति नहीं होती उसको अव्यक्त मूर्ति कहते हैं। जैसे भगवान अव्यक्त मूर्ति हैं, ऐसे ही साधक भी अव्यक्त मूर्ति होता है। साधक शरीर नहीं होता, ऐसी बात ग्रंथों में आती नहीं, पर वास्तव में बात ऐसी ही है। साधक भाव शरीर होता है, वह योगी होता है, भोगी नहीं होता। भोग और योग का आपस में विरोध है। भोगी योगी नहीं होता और योगी भोगी नहीं होता। साधक कोई भी काम भोग बुद्धि अथवा सुख बुद्धि से नहीं करता, प्रत्युत योग बुद्धि से करता है। समता का नाम योग है। समता भाव है, अतः साधक भाव शरीर होता है। स्थूल शरीर प्रति क्षण बदलता है, ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस क्षण में शरीर का परिवर्तन न होता हो। परमात्मा की दो प्रकृतियां हैं, शरीर अपरा प्रकृति है और जीव परा प्रकृति है। परा प्रकृति अव्यक्त है और अपरा प्रकृति व्यक्त है। संपूर्ण प्राणी पहले अव्यक्त है, बीच में व्यक्त है और अंत में अव्यक्त है। स्वप्न आता है तो पहले जागृत है, बीच में स्वप्न है और अंत में जागृत है। जैसे मध्य में स्वप्न है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मध्य में व्यक्त है। यह सिद्धांत है कि जो आदि और अंत में नहीं होता वह वर्तमान में भी नहीं होता। प्राणी आदि में और अंत में अव्यक्त है, अतः बीच में व्यक्त दिखते हुए भी वे वास्तव में अव्यक्त ही है। व्यक्त में दो व्यक्ति भी एक नहीं होते, पर अव्यक्त में सब के सब एक हो जाते हैं। अतः अव्यक्त में सबको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जो सबको प्राप्त हो सकता है वही परमात्मा होता है। जो किसी को प्राप्त होता है, किसी को प्राप्त नहीं होता, वह परमात्मा नहीं होता, प्रत्युत संसार होता है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति अव्यक्त को होती है और अव्यक्त में होती है। अव्यक्त ही साधक होता है, व्यक्त साधक नहीं होता। व्यक्त तो एक क्षण भी नहीं ठहरता। चिति शक्ति को छोड़कर, यानी चेतन शक्ति को छोड़कर, सभी भाव प्रति क्षण परिणामी है, अर्थात एक क्षण भी स्थिर रहने वाले नहीं है। विचार करें, जब हमने मां से जन्म लिया था उस समय हमारे शरीर का क्या रूप था और आज क्या रूप है? विचार करने पर यह मानना ही पड़ेगा कि शरीर संसार प्रति क्षण बदलते हैं। बदलने के पुंज का नाम ही संसार है। जो बदलता है वह साधक कैसे हो सकता है? साधक वही होता है जो बदलता नहीं। साधक को सिद्धि होती है तो शरीर सिद्ध नहीं होता। सिद्ध तो अशरीरी होता है। इसलिए साधक को सबसे पहले यह बात मान लेनी चाहिए कि शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, चाहे समझ में आए या ना आए। ज्ञान मार्ग में पहले साधक समझता है, फिर वह मान लेता है। भक्ति मार्ग में पहले मानता है, फिर समझ लेता है। तात्पर्य है कि ज्ञान में विवेक मुख्य है और भक्ति में श्रद्धा विश्वास। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में यही फर्क है। दोनों मार्गों में एक एक विलक्षणता है। ज्ञान मार्ग वाला साधक तो आरंभ से ही ब्रह्म को जाता है, ब्रह्म से नीचे उतरता ही नहीं। पर भक्त सिद्ध हो जाने पर, परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर भी ब्रह्म नहीं होता, प्रत्युत ब्रह्म ही उसके वश में हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज ने सब ग्रंथ लिखने के बाद अंत में विनय पत्रिका की रचना की। उसमें वे छोटे बच्चे की तरह सीता माँ से कहते हैं, कब हूंक अंब अवसर पाई, मेरी ओ सुधी ध्याई भी कछु करन कथा चलाई। दीन सब अंगहीन छीन मलीन अघी अघाई, नाम लय भरे उदर एक
प्रभु दासी दास कहाई। बुझिहे सो है कौन, कही भी नाम दशा जनाई। सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगरियो बनी जाई। जानकी जग जननी, जनकी किए बचन सहाई। तरे तुलसी दास भव, तब नाथ गुण गन गाई। तात्पर्य है कि सिद्ध भगवत प्राप्त होने पर भी भक्त अपनी को सदा छोटा ही समझते हैं। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे भक्त ही वास्तव में ज्ञानी है। गीता में भी भगवान ने गुणातीत महापुरुष को ज्ञानी नहीं कहा, प्रत्युत अपने भक्त को ही ज्ञानी कहा है। भगवान ने ज्ञान मार्गी को सर्वविद यानी सर्वज्ञ भी नहीं कहा, प्रत्युत भक्त को ही सर्ववीत कहा है। भक्ति के बिना भीतर का सूक्ष्म मल यानी अहम मिटता नहीं। वह मल मुक्ति में तो बाधक नहीं होता, पर दार्शनिकों और उनके दर्शनों में मतभेद पैदा करता है। जब वह सूक्ष्म मल मिट जाता है तब मतभेद नहीं रहता, इसलिए भक्त ही वास्तविक ज्ञानी है। शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, शरीर पृथ्वी पर ही माँ के पेट में बनता है, पृथ्वी पर ही घूमता फिरता है और मरकर पृथ्वी में ही लीन हो जाता है। इसकी तीन गतियां बताई गई है, या तो इसकी भस्म हो जाएगी, या मिट्टी हो जाएगी, या विष्ठा हो जाएगी। इसको जला देंगे तो भस्म बन जाएगी, पृथ्वी में गाड़ देंगे तो मिट्टी बन जाएगी, और जानवर खा लेंगे तो विष्ठा बन जाएगी। इसलिए शरीर की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत अव्यक्त स्वरूप की मुख्यता है। इसलिए वास्तव में साधक अव्यक्त होकर ही भगवान का भजन करते हैं। एक पंच भौतिक शरीर होता है, एक अव्यक्त भाव शरीर होता है। भजन ध्यान वास्तव में भाव शरीर से ही होता है। भजन नाम प्रेम का है, प्रेम भाव शरीर से ही होता है। अतः वास्तव में अव्यक्त मूर्ति ही भगवान में प्रेम करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान में तल्लीन होता है। उसी को भगवान मीठे लगते हैं, भगवान की बात अच्छी लगती है, भगवान की लीला अच्छी लगती है, भगवान का नाम अच्छा लगता है। भगवान ने कहा है कि यह जीव अनादि काल से मेरा ही अंश है। जैसे शरीर में माता पिता दोनों का अंश है, ऐसे जीव में प्रकृति का अंश नहीं है, प्रत्युत केवल मेरा ही अंश है। प्रकृति का अंश शरीर तो प्रकृति में ही स्थित रहता है, पर जीव परमात्मा का अंश होते हुए भी परमात्मा में स्थित नहीं रहता, वह अपने आप को संसार में स्थित मानता है, भगवान में स्थित नहीं मानता, वह प्रकृति में स्थित शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को अपना स्वरूप मान लेता है। इसलिए मैं शरीर से रहित हूं, यह बात उसकी समझ में नहीं आती। मनुष्य की सबसे बड़ी कोई भूल है तो यही है कि वह प्रति क्षण बदलने वाले शरीर को अपना स्थायी रूप मान लेता है। भगवान ने गीता के आरंभ में शरीर और शरीरी का वर्णन किया है, जिसका तात्पर्य साधक मात्र को यह बताना है कि तुम शरीर नहीं हो। वास्तव में साधक न शरीर है और न शरीरी ही है, साधक का स्वरूप सत्ता मात्र है। पर समझाने की दृष्टि से भगवान ने स्वरूप को शरीरी नाम से कहा है, कारण कि संसार में जैसे धन के संबंध से मनुष्य धनी कहलाता है, ऐसे ही शरीर के संबंध से स्वरूप शरीरी कहलाता है। जैसे धन का संबंध न रहने पर धनी तो रहता है पर उसका नाम धनी नहीं रहता, ऐसे ही शरीर का संबंध न रहने पर शरीरी तो रहता है पर उसका नाम शरीरी नहीं रहता। इसी तरह एक ही स्वरूप क्षेत्र के संबंध से क्षेत्रज्ञ, दृश्य के संबंध से दृष्टा और साक्ष के संबंध से साक्षी कहलाता है, पर वास्तव में स्वरूप न शरीर है, न शरीरी है, न क्षेत्र है, न क्षेत्रज्ञ है, न दृश्य है, न दृष्टा है, न साक्ष्य है, न साक्षी है, प्रत्युत चिन्मय सत्ता मात्र है। यह एक बात विशेष समझने की है कि जैसे धन के कारण धनी है, ऐसे शरीर के कारण शरीरी नहीं है, कारण कि जैसे धन और धनी दोनों एक जाति के हैं, ऐसे शरीर और शरीरी दोनों एक जाति के नहीं है।
जैसे धनी का धन में आकर्षण होता है, ऐसे शरीरी का शरीर में कभी आकर्षण नहीं होता, प्रत्युत आकर्षण की मान्यता होती है। धनी में तो धन की मुख्यता है, पर शरीरी में शरीर की मुख्यता है ही नहीं। धन के विकार तो धनी में आते हैं, पर शरीर के विकार शरीर में कभी नहीं आते। इसलिए धन से संबंध विच्छेद होने पर धनी रोता है, पर शरीर से संबंध विच्छेद होने पर शरीरी अखंड अपार असीम आनंद का अनुभव करता है। धन और धनी के विवेक से मुक्ति नहीं होती, पर शरीर और शरीरी के विवेक से मुक्ति हो जाती है। इसलिए धन के संबंध विच्छेद से धनी मुक्त नहीं होता, प्रत्युत निर्धन अथवा विरक्त हो जाता है, पर शरीर के संबंध विच्छेद से शरीरी सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कारण कि शरीर संसार का बीज है, अतः जिसका शरीर के साथ संबंध है उसका संसार मात्र के साथ संबंध है। शरीर से संबंध विच्छेद होने पर संसार मात्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार में हमें दो चीजें दिखती हैं, पदार्थ और क्रिया। ये दोनों ही प्रकृति का कार्य है। साधारण दृष्टि से हम लोगों को संसार में पदार्थ प्रधान दिखता है, पर वास्तव में क्रिया प्रधान है, पदार्थ प्रधान नहीं है। पदार्थ में हरदम परिवर्तन ही परिवर्तन होता है, तो फिर क्रिया ही हुई, पदार्थ कहां हुआ? क्रिया का पुंज ही पदार्थ रूप में दिखता है, वह क्रिया भी बदलने वाली है। ये क्रिया और पदार्थ प्रकृति का स्वरूप है, हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप क्रिया और पदार्थ से रहित अव्यक्त है। जैसे हम मकान में बैठे हुए हैं तो मकान अलग है, हम अलग हैं, इसलिए हम मकान को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे ही हम शरीर में बैठे हुए हैं, शरीर यहीं पड़ा रहता है, हम चले जाते हैं, मकान पीछे रहता है, हम अलग हो जाते हैं। तो वास्तव में हम पहले से ही उससे अलग हैं। ऐसे ही हम शरीर से अलग हो जाते हैं तो वास्तव में हम पहले से ही शरीर से अलग हैं। वास्तव में हम शरीर में रहते नहीं हैं, प्रत्युत रहना मान लेते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है, अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। तात्पर्य है कि स्वरूप सर्वव्यापी है, एक शरीर में सीमित नहीं है। जब तक वह शरीर के साथ अपना संबंध मानता है तब तक वह साधक है। शरीर का संबंध सर्वथा छूटने पर वह सिद्ध हो जाता है। शास्त्र में आता है कि देव होकर देव का भजन करना चाहिए, इसलिए अव्यक्त होकर ही अव्यक्त परमात्मा का भजन करना चाहिए। शरीर तो क्षण प्रति क्षण बदलता है, पर साधक क्षण प्रति क्षण बदलने वाला साधक थोड़े ही है। क्षण प्रति क्षण बदलने वाला मुक्त कैसे होगा, नित्य कैसे होगा? स्वरूप का विनाश कोई कर सकता ही नहीं, पर शरीर नष्ट हुए बिना रहता ही नहीं। जो अविनाशी होता है वही मुक्त होता है, विनाशी मुक्त कैसे होगा? बंधन का वहम यानी मोह मिट जाए, इसको मुक्ति कहते हैं। इसलिए एक बार मोह मिटने पर पुनः मोह नहीं होता, कारण कि मूल में मोह है ही नहीं। जो वास्तव में है नहीं वही मिटता है, जो है वह मिटता ही नहीं। सत्य का अभाव ही नहीं होता, और जिसका अभाव होता है वह सत्य नहीं होता, प्रत्युत असत होता है। शरीर तो भोगायतन है, जैसे रसोई घर भोजन करने का स्थान है, ऐसे ही शरीर सुख दुख भोगने का स्थान है। सुख दुख भोगने वाला शरीर नहीं होता, भोगने का स्थान और होता है, भोगने वाला और होता है। शरीर तो ऊपर का चोला है, हम लाल काला सफेद आदि कैसा ही कपड़ा पहने वह स्वरूप थोड़े ही होता है। ऐसे ही स्त्री पुरुष ऊपर का चोला है, स्वरूप न स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक है। परमात्मा प्रकृति और जीव ये तीनों ही अलिंग है। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि और अहंकार, इन सबके अभाव का अनुभव तो सबको होता है, पर अपने अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। जिसके अभाव का अनुभव होता है उससे हम अतीत हैं, हमारी भाव रूप सत्ता हरदम रहती है। सुसुप्ति में शरीर इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार कुछ भी नहीं रहता, सब लीन हो जाते हैं।
कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहता कि सुसुप्ति में मैं मर गया था, अब जी गया हूं। सुसुप्ति में भी हम रहते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि मैं बड़े सुख से सोया कि कुछ भी पता नहीं था। सुसुप्ति में भी हमारा होनापन जो का त्यों था, कारण कि हमारी सत्ता यानी होनापन अहंकार के अधीन नहीं है, बुद्धि के अधीन नहीं है, मन के अधीन नहीं है, इंद्रियों के अधीन भी नहीं है, शरीर के अधीन भी नहीं। हमारी सत्ता स्वतंत्र है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण सब शरीरों का अभाव होता है, पर हमारा अभाव नहीं होता, इसलिए हमारा स्वरूप निराकार है। साकार रूप शरीर पीछे बनता है और मिट जाता है। हम निराकार रूप से हैं, पर शरीर रूप से अपने को साकार मानते हैं। यह मूल भूल है। इस भूल का हमें प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित करने में तीन बातें हैं। पहला, अपनी भूल को स्वीकार करें कि अपने को शरीर मानकर मैंने भूल की। दूसरा, अपनी भूल का पश्चाताप करें कि मनुष्य यानी साधक होकर मैंने ऐसी भूल की। और तीसरा, ऐसा निश्चय करें कि अब आगे मैं कभी भूल नहीं करूंगा, अर्थात अपने को कभी शरीर नहीं मानूंगा। ये तीन बातें होने से प्रायश्चित हो जाता है और साधक अपने वास्तविक अव्यक्त स्वरूप में स्थित हो जाता है। जो भी अभी मैंने आपको बताया है, इसे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी ने बताया था।